गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, मैं विद्याधर सियाक आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर के द्वारा रचित दोहों को पढ़ने जा रहे हैं। इन दोहों में कबीरदास ने जो संसार की असारता का वर्णन किया गया है कि जो मनुष्य सांसारिक की सुख या भोग लिप्सु जीवन में फंस जाता है उसकी दशा कैसी होती है, इसका वर्णन किया गया है। इसी प्रकार उसे सावधान करने के लिए सचेत किया गया है। देखिए, सबसे पहले हम ये जो पद्यांश पढ़ रहे हैं इसका संकेत लिखेंगे, ये हु ऐसा संसार है। तो आप लिखेंगे ये हु ऐसा, फिर रिक्त स्थान बोई माई, बोई माई ऐसा लिखा गया है। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे, देखिए उच्चारण, ये हु ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन दस के व्यवहार को जूठे रंग न भूले, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाय, ताली पीटई सिरी धुनई, मीठे बोई माय। देखिए प्रथम पंक्ति में जो मीनिंग आप देखते हैं तो एकमात्र एक मीनिंग आपको कठिन लग सकता है जिसको सेवल कहते हैं। सेवल क्या है? एक कपास या रुई का पुष्प होता है, उसके लिए कहा गया है। दिन दस यानी थोड़े समय का, जो थोड़े समय को कहा गया है, व्यवहार यानी जीवन का जो व्यवहार है या सांसारिक जीवन को कहा गया है, थोड़े समय का व्यवहार है। इसी प्रकार झूठी रंग न भूले यानी सांसारिक मोह माया में भ्रमित नहीं होना, ये कहा गया है। मासी मक्खी को कहा गया है, दूसरे दोहे में मासी अर्थात मक्खी, गुड़ जो मीठा होता है उसके लिए, गड़ी रही यानी जो मक्खी एक जीव को है, गड़ी रही यानी धंसना या धंस गई। मक्खी क्या करती है? गुड़ में चिपक जाती है। फिर पंख, इसमें इसको कह सकते हैं अपंख, पंख रही लपटाए यानी लिपट गए, लिपटे गए। मक्खी के जो पंख हैं वो गुड़ में पूरी तरह से सन गया, लिपट गए। ताली पीटे, ताली पीटना यहाँ पश्चाताप करना है। सिरी धुनई और मतलब अपने हाथों को बार बार पीटती हुई अपनी मस्तिष्क को, जैसे धुनई यानी पश्चाताप करती है, सिर को पीटती है, इसी प्रकार सिर पीटती है। धुनई का अर्थ आप लिख सकते हैं कि पीटती है या पछताती है, तो आप लिख लीजिए पछताती है, पछताती है कौन? मक्खी। मीठे बोई माई, और मीठी के कारण, मीठे अर्थात सांसारिक सुखों में बोई मानी फंस गई, बोई का अर्थ है फंस गई। अब आप व्याख्या कीजिए, ये हु ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ने भूली। प्रस्तुत कवितांश अर्थात प्रस्तुत दोहा कवि कबीर द्वारा रचित दोहों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रथम दोहे में कबीरदास संसार की असारता का परिचय देते हुए मनुष्य को झूठे भ्रम में या बाहरी आकर्षण में न पड़ने के बारे में सावधान किया है। दूसरे दोहे में अन्योक्ति से सांसारिक सुखों में न फंसने का उदाहरण देते हुए वर्णन किया है। कबीरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये हु ऐसा संसार है जैसा श्यामल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, ये जो संसार है ये श्यामल के फूल के समान है। ये जो सांसारिक जीवन है ये श्यामल अर्थात रुई के पुष्प के समान है, कपास के पुष्प के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो केवल एक दिखावा है, ये श्यामल के फूल जैसा है जो सार रहित है। जिस प्रकार तोता श्यामल के पुष्प को, लाल रंग का एक फूल होता है, वह उसे फल समझ करके और उसके पकने की प्रतीक्षा करता रहता है, और जब वह फल पकता है, वह पुष्प जब पूरी तरह से पकता है, तो कौवा ये सॉरी ये मान लीजिए तोता
तोता उस पर जब चोंच मारता है तो उसमें से रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है। काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा करते करते जब तोता उस पुष्प के पास उसे जो लाल रंग का फल समझ लेता है और उस फल पर जब चोंच मारता है तो उसमें रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है और तोता पूरी तरह से निराश हो जाता है और उड़ जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी एक उसी श्यामल के पुष्प के समान है जो निरस है, इससे कभी मोह नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार तो श्यामल के पुष्प के समान है, जिस प्रकार तोता श्यामल के पुष्प को फल समझ करके, लाल रंग के उस पुष्प को फल समझ करके उसके पकने की प्रतीक्षा करता है और वह जब पक जाता है तो तोता उस पर जब चोंच मारता है तो उसमें रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है और अंत में तोता पछताता हुआ उड़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जो ये जीवन है ये थोड़े समय के लिए ही है, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग ना भूली। इसलिए कवि ने सावधान किया है कि मनुष्य ये जो आपका सांसारिक जीवन है ये तुम्हें थोड़े समय के लिए मिला है, इस जीवन को तुम सांसारिक झूठे मोह माया में न फंसाओ। अर्थात इसको ये जो थोड़े समय का जो व्यवहार है इसको सांसारिक सुखों में नहीं फंसाना है, इस बात का वर्णन किया गया है। क्योंकि ये संसार पुष्प के समान, उस लाल रंग के उस श्यामल के पुष्प के समान असार है, इसमें किसी प्रकार का कोई सार नहीं है, तो इसलिए सांसारिक माया मोह के भ्रम में नहीं फंसना है। फिर कहते हैं कबीरदास जी ने कहा है कि ये संसार तो एक श्यामल के फूल के समान है, इस ये श्यामल फूल जो ऊपर से तो लुभावना लगता है उसकी बारी लाल रूप के कारण तोता उसके मधुर फल समझ करके उसके पकने की प्रतीक्षा करता है और जब वह चोंच मारता है तो उसमें रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है और तोता उड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार है कि मनुष्य बड़ा सुखद और सुंदर प्रतीत उसका जीवन होता है परंतु सांसारिक भोगों का परिणाम अंततः एक धोखा सिद्ध होता है, मनुष्य पछताता हुआ संसार से विदा हो जाता है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, दिन दस के व्यवहार को, कि इस दस दिन के अत्यंत छोटे मानव जीवन को सांसारिक सुखों में नष्ट मत करो, क्योंकि इसके बाहरी रंग रूप के धोखे में पड़कर आप इस मानव जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, अर्थात बेकार में मत व्यर्थ मतलब बहाओ, परमेश्वर के स्मरण में अपना जीवन लगाओ। एक बार संक्षिप्त भाव आप फिर देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार तो एक श्यामल के फूल की तरह है जो ऊपर से तो आकर्षण लगता है, तोता उसे लाल रंग का पुष्प समझ फल समझ करके उसके पकने की प्रतीक्षा करता है और जब वह चोंच मारता है तो उसमें रुई जैसा नीरस पदार्थ निकलता है और तोता पछताता हुआ उड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी थोड़े समय का, अर्थात दस दिन का ही, दिन दस का व्यवहार, ये मनुष्य रूपी जीवन है जो थोड़े समय के लिए प्राप्त है, इसे सांसारिक मोह माया के झूठे आकर्षण में नहीं फंसाना चाहिए जी। इसी प्रकार दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मासी गुड़ में गड़ी रही पंस रही लपटाय, कि जिस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ये सांसारिक सुखों के आकर्षण में मनुष्य की दशा भी उस मक्खी के समान होती है, जिस प्रकार मक्खी मीठे गुड़ के लालच में उस पर बैठती है तो वह पूरी तरह से उसमें धंस जाती है। मासी गुड़ में गड़ी रही, जिस प्रकार मक्खी गुड़ पर बैठती है तो पंस रही लपटाई, तो उसके पंख उसमें लिपट जाते हैं, ताली पीटई और वह अपने हाथों को अपने पैरों को बार बार पीटती है, सिर धुनई और सिर पीटते हुए वह पश्चाताप करती है, वह उड़ने का प्रयास करती है तो मक्खी अपनी दोनों हाथों को पैरों को आगे के दोनों पैरों को जैसे बार बार वह ताली की तरह पीटती है और अपने सिर को धुनई यानी अर्थात सिर को पीटती अर्थात पश्चाताप करती है। मीठे बोई माई, ये मीठे में फंसने का ही कारण है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो ये मनुष्य का जीवन
उसी मक्खी के समान है जो मनुष्य सांसारिक माया मोह के जाल में फंस जाता है, उसकी दशा मक्खी के समान होती है। जिस प्रकार मक्खी गुड़ पर बैठ जाती है तो वह गुड़ में धंस जाती है और उसके पंख पूरी तरह से लिपट जाते हैं। वह उड़ने का प्रयास भी करती है, इस सांसारिक माया मोह से मनुष्य छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन वह जब बुरी संगत में पड़ जाता है तो उसको छोड़ नहीं पाता है। इस सांसारिक माया मोह से लिप्त व्यक्ति उसे छोड़ नहीं पाता, उसकी दशा मक्खी के समान होती है। जब वह गुड़ में चिपक जाती है, उसके पंख चिपक जाते हैं, तो अपने वह पैरों को बार बार पीटती है और सिर धुने और सिर को पछताती हुई पश्चाताप करती है, क्योंकि मीठे बोई माई, वो मीठे में फंसने के कारण ही वह उसी के लोभ में आने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मनुष्य को सांसारिक माया मोह से मुक्त होना चाहिए, रहना चाहिए। प्रस्तुत कवितांश की भाषा सहज एवं सरल, इस पद्यांश में सदुगड़ी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। यहाँ उपदेशात्मक एवं भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रथम दोहे में जैसे सेवल के फूल का उदाहरण देकर के कवि ने यहाँ उपमा दी गई है, उपमा अलंकार का प्रयोग, और दिन दस इसमें जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ द्वितीय जो दोहा है इसमें अन्योक्ति के द्वारा कवि ने सांसारिक सुखों से मुक्त रहने की बात कही है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।